नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो हम पूरा होशो हवास में बना रहे हैं। ये वीडियो हम उस दोगले के लिए बना रहे हैं जो खुद को सन ऑफ बिहार कहता है। वो दोगला ऑफ बिहार है जो खुद को सन ऑफ बिहार कहता है, वो दोगला ऑफ बिहार है। जी हाँ, हम ओकरे बात कर रहे हैं जकरा बारे में आप सच सही सही सुन रहे हैं। हम मनीष कश्यप का बात कर रहे हैं। दोगला तू कहता है कि रेलवे का जो छात्र है उसको मास्टर भड़का रहा है, और मास्टर भड़का रहा है तो रेलवे वाला जो छात्र एलपी का स्टूडेंट है वो जाकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। रे दोगला ऑफ बिहार, रे बीजेपी का दल्ला, रे चाटने वाला बीजेपी का मनीष कश्यप, तुमको जरा भी शर्म है? तू साला जेल से जहिया से निकला है तहिया से खाली बीजेपी का चाट रहा है। सबसे पहले माफ कीजिएगा हमको मनीष कश्यप भैया, और मनीष कश्यप को चाहने वाले जितने भी श्रोतागण हैं, हम आपको पैर छू करके माफी मांगते हैं। जो शब्द हम अभी बोले हैं उस शब्द के लिए, जो शब्द हम अभी बोले हैं वो शब्द दरअसल हमारे नहीं बल्कि एगो मस्टरबा का था। एगो मस्टरबा, नाम नहीं बोलेंगे, उसका चैनल का नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन सब जानते होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। रे मस्टरबा तोरी, तू कहता है मनीष कश्यप के दोगला। रे दोगला तू, तुहर बाप, तुहर खानदान, तुहर बेटा, तुहर औलाद, तुहर बेटी, तुहर संतान, साला तू मनीष कश्यप के दोगला कहता है। रे तू अपना तुहर बाप का एगो जाके पता कर अपना माई से, तू मनीष कश्यप के दोगला बोला। रे तू अपन माई से पूछ तो जाके कि तुहर बाप का एगो है। मनीष कश्यप के दोगला बोला। रे तू मनीष कश्यप के कहता है कि बीजेपी का वो दल्ला है, मास्टर है रे, तो इतना मार मारेंगे ना कान पर कि कान में है खून गिरा देंगे। तू जानता है मनीष कश्यप के बारे में? तू कितना वीडियो बनाया है रे छात्र के लिए? तो चैनल पर देख जाके, अपन मनीष कश्यप के जाके चैनल पर देख, मनीष कश्यप लड़का के लिए, छात्र के लिए कितना आवाज उठाया है जाके देख। साला तोरा हम दोगला नहीं बोलेंगे, क्योंकि तोरा जैसा संस्कार हमारा माए बाप नहीं दिया है। साला तू मनीष कश्यप को बोलता है दोगला ऑफ बिहार, रे हमर मुंह बहक गेलो ना। साले तोरा के हीटे होना है, हीटे होना है तो इस तरह से किसी को गाली देके हीट नहीं होना हुआ जाता अपना है। अपना कोचिंग चमकावेला, अपन चेहरा चमकावेला, साला तू मनीष कश्यप के गाली दे रहा है। जब बोल रहा हूँ ना मनीष कश्यप कि जब हम रेले लगवाओ ना बेटा तब पता ना चलतो कि तू कहाँ जाबे। हम अभी जहाँ खड़े हैं वो है एक रेलवे स्टेशन। ये वीडियो बनाने के लिए हम जानबूझकर रेलवे स्टेशन पे पहुंचे हैं। रेलवे के छात्र एलपी के जो स्टूडेंट है, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको 5000 वैकेंसी आया है, पता है हमको, और मुझे भी दुख है, मनीष कश्यप को भी दुख है कि 5000 वैकेंसी में मात्र 200 वैकेंसी बिहार के लिए है, और बिहार में 20 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, तब 200 नौकरी कैसे होगा, जानते हैं। लेकिन क्या इसके लिए मनीष कश्यप दोषी है? रे मनीष कश्यप वैकेंसी निकालता है रेलवे में, मनीष कश्यप दोषी है? तू मनीष कश्यप कैसे गाली दिया? रे उसको हम वीडियो से देखे, उसको वीडियो से पहचान रहे, जहिया धारा जाएगा ना ओकरा रान उन सब फाड़ देंगे बेटा, याद कर लेना, हम तुमको देख रहे हैं, तुम्हारा सब वीडियो देखते हैं। एक एक जितना जितना बोल देते हैं, जितना भी मनीष कश्यप का विरोध करने वाला है, तुरा जे नेता के बारे में बोलना है बोल देना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमको बीजेपी के बारे में बोलना है तू बोल, तुरा आरजेडी के बारे में बोलना है तू बोल, तुरा जे नेता के बारे में, जे पार्टी के बारे में बोलना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मनीष कश्यप के बारे में बोल लेना बेटा, तो उठा उठा कैसन पटकन मारबो ना कि तुरा सात खानदान तुरा याद आ जाता। साला मनीष कश्यप वैकेंसी निकालता, तू मनीष कश्यप को कैसे बोला? रे एक और चीज, मनीष कश्यप भैया, मनीष कश्यप कह रहा है, तुम लोग जितना भी है तू लोग कह रहा है कि मनीष कश्यप दिल्ली घूम रहा है, राजस्थान जा रहा है, अयोध्या जा रहा है, आखिर बिहार में पटना में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो आखिर में पटना में युवाओं के साथ मनीष कश्यप क्यों नहीं खड़ा है? तो सुन लो, सबसे पहले नंबर जितना भी छात्र है, आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं कि मनीष कश्यप अभी जेल से तुरंत बाहर निकले हैं बेल पे। किसी भी परिस्थिति में अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो तुरंत उनको फिर से जेल हो सकता है, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि आपको समस्या है, आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, आप चाहते हैं कि कोई आपके साथ खड़ा रहे, मुझे ये पता है। लेकिन मेरे भाई, मेरे देवता, मेरे छात्र भाई बंधु, मनीष कश्यप आपके साथ है तो बोला तो ना मनीष कश्यप आपको कि एक शांति पूर्वक कहीं धरना प्रदर्शन कीजिए, मनीष कश्यप वहां खड़े रहेंगे, उग्र प्रदर्शन नहीं कीजिए, ताकि उग्र प्रदर्शन करने से मनीष कश्यप फिर से बेचारे जेल जा सकते हैं, उनका पूरा जिंदगी तबाह हो गया। आपको समझ नहीं है मेरे भाई? और जितना भी मनीष कश्यप को जो भरुआ बोला, जितना भी मनीष कश्यप उलझल बोलता है, तू सब तो छात्र है नहीं, तू सब चाटने वाला,
ओकरे हाँ ओकरे ओकरे नाम तो बोलो ना, पूछा नहीं है। सब मनीष कश्यप के औलाद है, जो जो बोलता है गलत बात मनीष कश्यप के बारे में, सब मनीष कश्यप के एक नंबर औलाद। अरे 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 भाई तोरा हिट होला हो ना, हम जाने लो तोरा हिट होला हो, तोरा हिट होला हो तो मनीष कश्यप का चरण पकड़ ले, चरण धो के पी ले, ऐसू फेमस हो जाए। गाड़ी देवे से कोई फेमस नहीं होता है। मनीष कश्यप भैया रेलवे के छात्र नहीं, जितने भी छात्र है उनका थोड़ा सा आप सहयोग कर दीजिए। हमें पता है कि आप भी थोड़े परेशान हैं, लेकिन इसी बीच में छात्रों की भी आवाज को सुनी जाए। और अभी मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ, अभी मैं थोड़ा इधर दिखाना भी चाहूंगा किस पे हूँ। इधर इधर थोड़ा आ जाओ, ये रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हैं चारों तरफ एक ट्रेन भी आ रही है। रेलवे जो होती है वो एक सरकारी संपत्ति है, और सभी का एक शौक और सपना भी होता है कि रेलवे में जॉब करे। तो जितने भी रेलवे की तैयारी करने वाले छात्र मेरे भाई बंधु है, मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों को नौकरी रेलवे में मिल जाए। लेकिन जो कुछ भी रेलवे का कुछ जो छात्र अपने आप को छात्र कहते हैं और जो दंगा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, मनीष कश्यप को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं और आपके भविष्य के साथ भी खेल रहे हैं, उनसे आप लोग बचिए। आपके साथ हम हैं, रेलवे के छात्रों के साथ, और बीजेपी, अब यहां पर समय आ गया है, बीजेपी को भी मैं छोड़ूंगा नहीं। बीजेपी की सरकार है अभी केंद्र में, मोदी जी आपको भी बख्शा नहीं जाएगा। राम मंदिर तो हो गया, अच्छा है, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार भी दीजिए। आप जो वैकेंसी निकाले हैं 5600, कैसे चलेगा मोदी जी? ना चलेगा, राम मंदिर से नहीं मानेंगे हम लोग। बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, यहाँ 5600 वैकेंसी दीजिएगा। पिछला साल 65,000 वैकेंसी निकला था, अभी 5000 वैकेंसी दीजिएगा मोदी जी। बीजेपी ऐसा रहेगा तो इस बार लोकसभा में आपका पत्ता साफ हो जाएगा, याद रखिएगा। बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, छात्रों के साथ मैं खड़ा हूँ। और मनीष कश्यप को गाली देने वालों सुधर जाओ, नहीं तो घर में दौरा दौरा के मारेंगे, याद रखना। पूरा छात्र से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग मतलब ऐसा ऐसा भरुआ चुतिया मतलब टीचर से आप लोग मत मतलब उनका सलाह में मत जाइए, अन्यथा वही होगा। अजय मास्टर जी, आप अपने आप को मास्टर कहते हैं, हमको तो शर्म आता है कि मास्टर भी ऐसा होता है। आपके मुंह से जो शब्द निकल रहा है, तो खुदे ज्ञान नहीं होगा, मास्टर ऐसी ही चैनल बने चलाता है, धंधा चलाता है, मास्टर बनता है। खैर छोड़िए, न मास्टर से हमको लेना देना है ना, और कोई लेसन हमको लेना देना मनीष कश्यप से। भैया मनीष कश्यप को गाली लेने दीजिएगा ना, तो भैया हम मानेंगे तो पॉइंट में मुंह थोक दीजिएगा, सीधी बात कहते हैं। दूसरी बात, बीजेपी बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, सरकार किसी की भी हो बेरोजगारों को रोजगार दीजिए। बस इतना ही करना है। मेरा नाम है सौर आर्या सिंह, आप देख रहे थे दस एस क्रिएशन। जय श्री राम, हर हर महादेव। और एक बार और हम चाहेंगे कि एक बार रेलवे पे, रेल के धरती से, रेलवे स्टेशन से मनीष कश्यप का एक बार जयकारा उस विरोधिया को सुनाओ कि मनीष कश्यप क्या है, ब्रांड है। एक बार मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद, हर हर महादेव, हर महादेव।